मुस्तफा 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 मुस्तफा। एक वाक्य बताऊं, आजकल ये पीने की बहुत आदत हो गई, तौबा कर लो भाई। ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा दारू वारू सब खत्म, जुआ हुआ कुछ भी नहीं। कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करो भाई। माशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, और नमाज की पाबंदी भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक वाक्य सुना के बाद खत्म करूंगा। आपने बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, मालिक बिन दीनार। बोलो मालिक बिन दीनार। दीनार कहते हैं सोने के टुकड़े को, लेकिन इनको मालिक बिन दीनार। ये क्या थे मालूम? बहुत बड़े शराबी, बहुत बड़े शराबी। अरे जब देखो, जब यो जाम हाथ में हुए ने, और शराब के नशे में हुए। अब इनकी बेटी थी 2 साल की, कितने साल की, वो जब भी अब्बा को शराब पीता देखे ना, तो बेटी है ना बाप से बहुत मोहब्बत करे। हाँ बेटा इतना, और बाप की भी बड़ी अजीब शान है, वो बेटी से बहुत मोहब्बत करेगा। जब भी होगा ना, अपनी बेटी को फ़ोन करेगा, हेलो हेलो मेरी बेटी बराबर, मेरी बेटी ससुराल में बराबर है, और बेटा मिलेगा ना, नाल है कम बखत घोड़ा कुछ काम का नहीं। ये हर बाप की आदत है, बेटे को झिड़क देने का और बेटी को गले से लगा लेने का। अब मालिक इब्ने दीनार की बेटी, बोलो कितने साल की, वो कभी भी अब्बा दारू पीते हुए ना आवे, अब्बा ना मुझसे प्यार करते हो ना, अब्बा अब्बा मुझसे प्यार करते हो ना, नहीं लेके ले ले वे और फेंक दे वे। ये ऐसा चल रहा था, जहाँ वो दारू पीने जाए ना, अगर बेटी को पता चले, बेटी आवे, अब्बा इससे प्यार करते हो कि मुझसे प्यार करते हो, तो बाप है ना अपनी बेटी को गले लगावे और दारू छोड़ देवे। अचानक बेटी बीमार हुई और इंतकाल हो गया। अब बेटी का इंतकाल हो गया तो बाप बाप होता है और टेंशन में आए, और दारू पीना शुरू किया, खूब दारू पीना शुरू किया कि मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी। लेकिन अल्लाह किसी को हिदायत देवे, यही हजरत मालिक, मालिक नाम इनका क्या है, मालिक। ये रात को सोए ना तो ख्वाब में देखा कि इनके पीछे एक सांप दौड़ रहा है, और ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सांप, और ये दौड़ रहे हैं, मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, और सांप दौड़ रहा। इतने में सामने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी। ये मालिक ख्वाब में कहते बूढ़े आदमी को, कहते हैं मेरे को बचा ले, वो सांप मेरे पीछा दे मेरे को बचा ले। तो बूढ़ा कहता है मैं वो सांप का नहीं मुकाबला कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, तुम वो पहाड़ पर चले जाओ, देखो वो पहाड़ पर कुछ मिलेगा। ये दौड़ते 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 वो सांप पीछे आ रहा है, आप पीछे आ रहे, वो बूढ़े आदमी ने मदद नहीं की। ये दौड़ते दौड़ते पहाड़ के ऊपर गए, पहाड़ के ऊपर गए तो अपनी बेटी को देखा। बोलो सुभान अल्लाह, क्यों बेटी ने उस सांप को कहा, सांप को चला जा, वो सांप चला गया। तो ये अपनी बेटी को, ख्वाब में बेटी को ऐसे गले लगाए, मेरी बेटी तेरा इंतकाल हो गया, बेटी यहाँ पहाड़ पे क्या करती। हाँ अब्बा पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ पे जन्नत का खेमा लगा हुआ है। तो कहा कि अब्बा वो सांप, कहा वो सांप आपका दारू था, दारू जो आप पीते हो ना, वो सांप की शक्ल में तुम्हारे पीछे आ रहा था, और जो भी दारू पीता होगा वो इसी सांप के लपेट में आएगा, ये जहन्नम का बना हुआ सांप था। तो कहा कि वो बूढ़ा आदमी मेरी मदद नहीं किया, कहा वो तुम्हारे अच्छे आमाल है, इतने कमज़ोर है कि वो सांप को भगा ही नहीं सके, तुम्हारे आमाल इतने कम है, न नमाज है न रोज़ा है, वो सांप को कहाँ भगावे। तो कहा बेटी तू क्या करेगी, तू क्या करेगी। कहा अब्बा एक बात बताओ, आपने कुरान पढ़ा है ना। तो कहा कि हाँ बेटी मैं तो कुरान तो पढ़ा हूँ। अब्बा आज मैं एक आयत सुनाती हूँ, अभी तो आप ख्वाब में हो, आँख खुले तो वह आयत के ऊपर गौर करना। और बेटी ने सुरेली आवाज़ में, आह जन्नत की आवाज़ होगी, सुरेली आवाज़ में वो आयत करीमा सुनाई, अलम यानिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल। उस आयत का तर्जुमा है, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि अपने आप को अल्लाह के सामने झुका के तौबा करे। अभी और आसमान और जमीन के कितने हालात देखने हैं, अब तो तौबा कर ले। इनकी आंख खुली, फौरन वो आयत को देखकर कहा अल्लाह अब तौबा। फिर जो तौबा की, और एक अल्लाह के वली के हाथ पर जाकर बैयत हो गई। ये भी ज़रूरी है किसी अल्लाह के वली के हाथ पर क्या हो जाने का। ये किन के हाथ पर बैयत हुए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत हो गए। उसके बाद जो इबादत और जो तौबा और जो रोना, अब एक दिन कश्ती में बैठे, कौन बोलो, हज़रत मालिक। एक दिन अभी तो तौबा की, अल्लाह के वली कश्ती में बैठे, अब इनके पास कुछ है नहीं। अब वो कश्ती में जो टिकट लेने वाला आता ना, वो इनके पास आया, चलो भाई एक एक दीनार यहाँ से वहाँ तक जाना बहुत लंबा सफ़र है, चलो जितने पैसेंजर है सब लोग एक एक दीनार निकालो। इनके पास आए, चलो चलो एक दीनार। इन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आएगा तो दे दूंगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा देते हो कि दरिया में फेंको।
भाई वो तो कश्ती का नाखुदा था कि वो टिकट वसूल कर देते हो या फेंको। तो इन्होंने कहा माफ़ कर देना, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तौबा किया, मेरे पास हराम का माल था, सब दे दिया, अब हलाल कमा रहा हूँ मैं, आएगा तो मैं दे दूँगा। तो उसने ज़ोर से धक्का मारा, फेंका नहीं, खाली ऐसे धक्का मारा जैसे धक्का मारना था, कश्ती के चारों तरफ मछली आ गई और सबके मुँह में एक एक दीनार लगा हुआ, कश्ती के चारों तरफ मछलियाँ, हर मछली के मुँह में एक दीनार। हज़रत मालिक ने कहा ले ले, किसके मुँह से लेना है, ले ले एक दीनार ले ले। अब वो घबराने लगा और कहने लगा ना ना आप तो अल्लाह के वली है, मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। कहा एक बार तो धक्का मारा, दूसरी बार भी मारी देना। तो कहा नहीं नहीं मैं आपको धक्का नहीं मारूंगा। कहा तू नहीं मारेगा, मैं खुद जाऊँगा। आप समंदर में गए और सारे कश्ती वालों ने देखा, अब चलते चलते समंदर में रास्ते को पार कर दिया। जब पार कर दिया और कश्ती भी वहाँ पर पहुँची तो सब उतर गए सारे पैसेंजर, आप समंदर पर चले और मछलियाँ आपके पास दीनार लेकर आई। तो उन्होंने कहा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरे आखिरी नबी का कोई उम्मत ही सच्ची तौबा कर लेता है ना, फिर अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। तो हम सच्ची तौबा करें तो हमारी दुकान क्यों नहीं चले, हमारा मकान क्यों नहीं चले, हमारी बीवी फरमा बरदार क्यों नहीं होए, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आवे। लेकिन तौबा करो, करेंगे बोलो करेंगे इंशाल्लाह। एक सच्ची तौबा अल्लाह से कर लो इंशाल्लाह, हमारे उंगलियों से नामुमकिन को अल्लाह मुमकिन बनाएगा इंशाल्लाह। वो सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।